उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो गया और तकरीबन 20 दिन से ऊपर हो गया। आज पहली बार कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी की है। हमारे साथ जो कांग्रेस से जीती हुई विधायक और सीएलपी लीडर है आराधना मिश्रा जी, आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस की, तकरीबन 20 दिन हो गए हैं, क्या एजेंडा था कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का? देखिए, पूरे देश आज जो है महंगाई से त्रस्त, हर वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब आदमी हो, यहाँ तक कि जो भी महिलाएं हो, किसान हो, नौजवान हो, हर कोई भी, जो डीजल पेट्रोल का प्राइस, LPG कर लीजिए, होम अप्लाइंसेस कर लीजिए, हर चीज़ में भयानक वृद्धि हो रही है। उसी को लेकर के पूरे देश में एक अभियान किया कांग्रेस पार्टी ने, हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी से मिलते थे, और कल उसको मुख्यालय पर, हर मुख्यालय पर प्रदेश एक आंदोलन की आह्वान किया गया है, कल यहाँ पर लखनऊ में भी आयोजित किया। इसी संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता उन्होंने कुछ आंकड़ों के साथ प्रेस से बात की, और वो जनता की जो मूल समस्याएं हैं। लेकिन आराधना जी, देखने को ये मिल रहा है कि अब जो आपका कल से जो चालू होगा, एक तरीके से जो गवर्नेंस हो गया जिस तरीके से, ये अभी तक 20 दिन से ऊपर हो गया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं चुना गया है कांग्रेस का, तो ऐसा बिना प्रदेश अध्यक्ष के ही क्या कांग्रेस आगे बढ़ेगी? देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक कमेटी या किसी एक टीम से चलने वाली पार्टी नहीं है। आज़ादी के आंदोलन से पहले कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए अपना समर्पण किया है, हमने बलिदान दिया है, त्याग किया है, और इसी विचारधारा को लेकर के कांग्रेस पार्टी हमेशा चली। हमने हमेशा देश हित में, गरीबों के हित में, किसानों के हित में, नौजवानों के हित में निर्णय लिए, ठीक है, ये लोकतंत्र है और जो भी जनादेश आता है उसको स्वीकार करना चाहिए, पर जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है एक विपक्ष के रूप में, हम अपने एजेंडे से ना पहले कभी हटे हैं ना आज। हम कल भी जनता की बात को लेकर के जनता के बीच में गए थे, संघर्ष किया है, और आज भी हम उस संघर्ष को जारी रखेंगे। जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष की बात है, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जहाँ पे 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उन अध्यक्षों ने, आदरणीय अध्यक्षों ने इस्तीफा किया, और ये केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा और समय आने पर वो निर्णय होगा, शीघ्र होगा, और हमें नया प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। पर जैसा कि मैंने कहा कि उससे जनता के जो मुद्दे हैं वो कहीं हम भटकने नहीं देंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती रहती है एक वातावरण बना करके मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का, वो नहीं होने दें, क्योंकि एक विपक्ष के तौर पर, एक राष्ट्रीय दल के तौर पर ही हमारी नैतिकता है। तो क्या हम मान के चले कि कांग्रेस ने 2024 की तैयारी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में शुरू कर दी है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष अभी एब्सेंट है? देखिए, मैंने फिर कहा इस बात को, मैं दोहराऊंगी कि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है और हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, कभी कोई उसकी अगुवाई करता है, कभी कोई करता है, तो ये विचारधारा है, इसकी लड़ाई करनी है। 24 की तैयारी, हम एक राष्ट्रीय दल है और चुनाव लड़ना है, तो तैयारी तो हमारी पूरी है। आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में ये लड़ाई हमने 22 में भी लड़ी, 24 में भी। तो साफ तौर से आराधना जी, है मानना यही है कि कांग्रेस ने अपने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है, जो मुद्दे हैं जनता के उन पर अब कांग्रेस फिर से खड़ी हुई है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष अभी नहीं चुना है, और जनता का हर वो व्यक्ति कांग्रेस की नज़र में प्रदेश अध्यक्ष है, और कहीं ना कहीं वो अपने मूल सिद्धांतों से पीछे ना हटते हुए जनता के साथ खड़े होकर आगे बढ़ने की बात कह रही है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।